नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बुक के बारे में, एक पुस्तक के बारे में। और वो पुस्तक कौन सी है मैं आपको दिखा देता हूं। ये है वो पुस्तक जो कि रवीश कुमार ने लिखी है, जिसका टाइटल है बोलना ही है लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र के बारे में। रवीश कुमार को आप जानते होंगे एनडीटीवी इंडिया से, जो कि रोज रात में 9 बजे प्राइम टाइम शो आता है उनका रवीश के साथ। पहले रवीश की रिपोर्ट आता था और अब आता है प्राइम टाइम विद रवीश कुमार। तो उन्हें भी पिछले दिनों रिमॉन मैक्सेसे अवार्ड मिला अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के चलते, और इसको बोला जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार जो उनको पिछले दिनों दिया गया। अब ये किताब जो मैंने आपको दिखाई बोलना ही है, अगर ये रवीश कुमार ने लिखी है और इसका टाइटल जो है बोलना ही है लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र के बारे में, जिसमें तीन चीजें आ रही हैं लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र, दैट मीन्स अगर इन चीजों पर लिखा है और रवीश कुमार ने लिखा है तो इसमें बहुत कुछ पॉलिटिकल है। बुक के बारे में बात करें तो बुक की जब मैंने भूमिका पढ़ी, तो आप भूमिका जानते होंगे जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है राइटर्स की तरफ से, तो इस भूमिका को मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा 1-2 पेज की होगी, लेकिन ये 15 पेज की तो सिर्फ भूमिका लिखी है इन्होंने। और ये इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा है कि भूमिका जो है वो इतने कम शब्दों में कैसे पूरी हो सकती है कि एक किताब के बारे में हम 1 पेज या आधा पेज में बता सकें। तो इन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की और 15 पेज की भूमिका, और भूमिका में अपने दिल की बात और बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दे हैं, सोशल मुद्दे हैं, जिनको जिनके बारे में इन्होंने इस भूमिका में बताया है। चैप्टर्स की बात करें अगर हम, तो इसमें कुल 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर में मैं चैप्टर वाइज अगर रिव्यू करूँ तो सबसे पहले जो चैप्टर आता है बोलना, चैप्टर का नाम है, और इस चैप्टर में उन्होंने मतलब अहमियत बताई है, सोसाइटी के लोगों को ये समझाया है और कुछ बातें बताई हैं, कुछ इंसिडेंट बताए हैं जो सोसाइटी के लोगों और गवर्नमेंट के बीच में या मीडिया और गवर्नमेंट के बीच में हुए हैं। और जो भी इस चैप्टर को वो ख़त्म करते हैं तो वो ये एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक सजेशन देते हैं पेरेंट्स से, सोसाइटी के लोगों को, कि अपने बच्चों को बोलना सिखाएं, उनको सवाल करना सिखाएं, सिर्फ हर बात पे हाँ जी करना ना सिखाएं, वो अपनी बात रख सकें ना सिर्फ दोस्तों के बीच में बल्कि बड़ों के साथ, स्कूल में या सोसाइटी में या एज अ सिटीजन वो पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट से भी सवाल पूछ सके, क्योंकि पूछना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप अपने घर में बच्चों को ऐसा माहौल दें कि वो बोल पाएँ, अपने दिल की बात रख पाएँ, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ पूछ रहे हैं तो वो पूछ सकें खुलकर, ताकि अपनी सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर है, अपने सोसाइटी का आजकल जो माहौल है वो चेंज हो सके और लोग खुलकर बिना डरे सवाल पूछें। इसीलिए बोलना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि टाइटल है बुक का। दूसरा चैप्टर है रोबो पब्लिक और नए लोकतंत्र का निर्माण। ये चैप्टर मैंने पढ़ा और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे बहुत कुछ अपनी विचारधारा में चेंज आया, मेरी खुद की विचारधारा जैसा कि मैं सोचता था। और मैं बहुत हद तक सहमत हूँ कि इसमें इन्होंने मॉब लिंचिंग की बात की है। मॉब लिंचिंग मतलब एक किसी इंसान को पकड़ना और पकड़ के भीड़ जो है चारों तरफ से घेर के उसको मार देती है, कई कारणों से मार देती है, कभी गौ रक्षा के मामले में, कभी जय श्री राम, कभी चोरी के झूठे मामले में, बहुत सारे मामले इन्होंने दिए हैं इसमें जिनका रेफरेंस दिया है, ताकि आप ये जो कहना चाह रहे हैं उसको ढंग से समझ सकें। ठीक है, तो मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, वरना रिव्यू का कोई मतलब नहीं है कि मैं सब आपको बता दूं कि क्या लिखा है इसके अंदर। तो इस चैप्टर में वो मॉब लिंचिंग के बारे में बताते हैं, वो बताते हैं कि कैसे आखिर कौन सी वो पावर है, कि आप अपने घर के बगल में देखिए, मेरे घर के बगल में या मैं जितनों को भी जानता हूं उनके घर के बगल में कोई भी ऐसा नहीं है जो फिर सुबह ये सोच के निकलता हो कि भाई आज जाना है और भीड़ के साथ किसी को मारना है। नहीं, ऐसा मुझे दिखता नहीं है। हमारे सोसाइटी के आसपास के जो लोग हैं वो सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को काम से वापस आते हैं, तो मैं तो नहीं दिखता आसपास। तो आखिर कहाँ से आते हैं वो लोग, कहाँ से आती है वो भीड़ जो लोगों को घेर कर मार देती है? क्या इसको कोई पीछे से ट्रिगर कर रहा है, कोई इसको क्लिक करता है, कोई दिशा निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है कि जाओ और ये करो? और आखिर पब्लिक की सोच कैसी होती जा रही है? क्या उनका खुद का दिमाग काम नहीं करता है कि कोई उनको किसी भी गौ रक्षा के मामले में, हिंदू मुस्लिम मामले में भड़का देता है और वो भड़क जाते हैं, जैसे कि आपने पिछले दिनों कुछ बच्चा चोरी के केस सुने होंगे और लोगों को बांध के मारा गया, मीट जो है लोगों का चेक किया गया, जो मुस्लिम खाना खाते थे उनका खाना चेक किया गया कि वो कहीं बीफ तो नहीं खा रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे इन्होंने इसमें बताए हैं और इन्होंने यही चिंता व्यक्त की है कि आखिर ये कैसा माहौल हो रहा है और कहाँ से आते हैं वो लोग, आखिर वो किन के घर के लोग हैं जो कि ऐसा करते हैं कि किसी को भी घेर के मार देते हैं।
और आखिरी में ये सजेशन देते हैं कि अपने बच्चों पे भी ध्यान रखें और अपने बेटे बेटियों पे ध्यान रखें, वो किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक दिन आपके घर से आपका बच्चा निकले और कुछ ऐसा करके आए कि आप फिर किसी काबिल ही ना रहें कुछ बोलने के लायक, कुछ करने के लायक। तो ऐसे लोगों से अपने बच्चों को दूर रखें और इन सारी चीज़ों का हिस्सा ना बनने दें और कभी खुद भी ना बने। तीसरा चैप्टर जो इन्होंने बताया है वो है डर का रोजगार। डर का रोजगार मतलब जो तरह तरह का डर फैलाया जा रहा है और जो आजकल टीवी पे पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट चल रही है बीइंग ह्यूमन की, कि हमारे जो चैनल हैं मुख्य चार बहुत बड़े बड़े चैनल हैं वो कितना पाकिस्तान, कितना हिंदू मुस्लिम, कितना राम मंदिर, कितनी गौ रक्षा के बारे में अपनी न्यूज़ दिखाते हैं, उनका जो मेन कंसर्न है वो इसी पे है। बाकी जो सोसाइटी की और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे रोजगार, शिक्षा है, उनके बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये जो डर है हिंदू मुस्लिम का, जैसे कि इन्होंने बोला कि भाई मुस्लिम ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हिंदुत्व खतरे में है, ये कैसा डर फैलाया जा रहा है और जनता क्यों इतनी पागल हुई पड़ी है हिंदू और मुस्लिम के मामले में। आप देखिए आसपास के लोगों में, क्या आपके आसपास मुस्लिम रहते होंगे, मेरे आसपास मुस्लिम रहते हैं, मुझे तो ऐसा कोई माहौल दिखता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा न्यूज़ में दिखाया जा रहा है और लोगों को डराया जा रहा है कि एक दिन हिंदुस्तान पे कब्जा हो जाएगा और हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व को बचाओ वगैरह वगैरह वगैरह। और इसी न्यूज़ के चलते उनका रोजगार चल रहा है, इसी न्यूज़ के चलते वो TRP कमा रहे हैं। तो इसके बारे में इस चैप्टर में उन्होंने बताया। जहां भीड़ वहां हिटलर का जर्मनी, सिंडलर्स लिस्ट एक मूवी है, मैंने भी पिछले दिनों देखी है, वो सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है और बहुत ही आपको उसको देख के गुस्सा आएगा, दया भी आएगी, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा अपने अंदर। लंबी मूवी है, लगभग 3.25 घंटे की मूवी है। तो इस चैप्टर में इन्होंने बोला है कि जहां भीड़ वहां हिटलर का जर्मनी, तो जर्मनी में जब नाजीवाद फैला हुआ था और विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, जो हमारे यहूदी थे उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ, बहुत बुरा हुआ, तो उसी मामले में जो सरकार उस समय यहूदी यानी कि वहाँ की जनता थी यहूदी, उनके साथ जो कर रही थी, झूठे केसेस बना रही थी, झूठी बातों पर मार रही थी वगैरह वगैरह काम कर रही थी, उसी को रिलेट करते हुए इन्होंने मॉब लिंचिंग की बात को छेड़ा है और बताया है कि भाई अगर ऐसा माहौल है तो फिर जर्मनी में और हमारे देश में कोई मतलब ही नहीं है कि जहां पे भीड़ किसी को घेरे और किसी फालतू मुद्दे पर पकड़ के मार दे। आखिर उनको ये अधिकार किसने दिया कि वो किसी को मारे। तो उसके बारे में इन्होंने बोला है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है जहां पे भीड़ वहां हिटलर का जर्मनी। माफ कीजिएगा, अगला चैप्टर है जनता होने का अधिकार। जनता होने का अधिकार यानी कि आपके जो सिटीजन्स राइट हैं उनके बारे में इस चैप्टर में बात की कि भाई आप सवाल पूछ सकते हैं, आपका ये अधिकार है कि आप अपने हक के बारे में सरकार से पूछें, ठीक है, और सरकार से जानकारी हासिल करें। RTI वगैरह जो चीज़ें होती हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, उनके बारे में बताएं कि इन चीज़ों का यूज़ करें ताकि आपको आंसर मिले और डरें नहीं, निडर होकर सवाल पूछें, कहीं भी सवाल पूछें, सिर्फ सरकार से ही नहीं, स्कूल में, घर में, कॉलेज में, सड़क पर, सोसाइटी में, आस पड़ोस से, सरकार से, किसी से भी सवाल पूछें, निडर होकर सवाल पूछें। बाबाओं के बाजार में आप और हम, ये टाइटल है इनके अगले चैप्टर का। बाबाओं का मतलब यहाँ पे इन्होंने जो रेफरेंस दिया है कि सुबह सुबह जो 7:30-8 बजे से शो आते हैं TV पर, जो ज्योतिष के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि मतलब कितना अंधविश्वास है। इन्होंने किसी चैनल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इन्होंने बताया कि एक बाबा हैं जो कि मोगेम्बो की ड्रेस में आ जाते हैं, लेकिन इनका जो मेन कंसर्न है वो ये कि आखिर हम कितने अंधविश्वासी हैं कि सुबह सुबह बाबा आपको बताते हैं कि भाई इस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, केस फाइल करने का समय रात में 8 से लेकर 2 बजे तक, अब रात के 8 से 2 बजे के बीच में कौन सा कोर्ट खुला है, लेकिन आप फिर भी उसको देख रहे हैं और आपको हाँ भाई ये टाइम सबसे सही है केस फाइल करने के लिए। सर्जरी करने का टाइम बताते हैं कि भाई दोपहर में 1:00 से 1:00 बजे तक सर्जरी करने का शुभ मुहूर्त है। अब आप सोचिए कि इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं डॉक्टर के सामने हॉस्पिटल्स में, यहाँ पे डॉक्टर आपके मुहूर्त के हिसाब से अगर आपकी सर्जरी करेगा तो आप तो कभी सर्जरी करा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि कैसा अंधविश्वास फैला हुआ है कि इनकी दुकान चल रही है और आप चलने दे रहे हैं, और क्योंकि आपकी वजह से ही चल रही है, आप ये सारी चीज़ें फालतू की देखते हैं।
कि आज ये कलर का कपड़ा पहनेंगे, ये खाएं ये ना खाएं, सफर करने का समय, राहु काल, केतु काल, पता नहीं क्या क्या चीजें, इन सारी चीजों के बारे में बताएं कि इन पर भरोसा ना करें। आप लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, ये फालतू की चीजें सुनकर इन पर भरोसा कर आप इनकी दुकान को ना चलने दें। आखिर ये टीआरपी इसी से ले रहे हैं। अगला चैप्टर जो आता है हम सबके जीवन में प्रेम। इस चैप्टर की एक ऑडियो मैंने लास्ट रिकॉर्ड करके डाली थी, इस वीडियो से पहले जो डाली है लास्ट वीडियो, उसको आप सुने। इसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारे यहाँ का कल्चर है, सोसाइटी है, वो प्रेम प्रेम तो हर बात में करती है कि सबको प्रेम करो, सबके साथ दया करो, लेकिन जो प्रेम है, लड़के लड़की जो आपस में शादी करना चाहते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें हैं। कभी जात पात की दिक्कत, कभी धर्म की दिक्कत, ऊंच नीच की दिक्कत, अमीरी गरीबी की दिक्कत। तो इन सारी चीजों का इन्होंने यहाँ पे चिंता जताई है, कुछ गानों का रेफरेंस दिया है कि एक शायर की गजल, ड्रीम गर्ल और दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, मतलब ये किस तरह के गाने हैं जो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं महिलाओं को कि भाई महिला एक दिल बहलाने की चीज है और उसके आने से दिल बहल रहा है। और ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल शायर की गर्ल, ड्रीम गर्ल क्या, आप उसको नॉर्मल लड़की रहने दीजिए, नॉर्मल महिला रहने दीजिए, व्हाट ड्रीम गर्ल, ठीक है। तो इस सारी चीजों के बारे में इन्होंने बताया है कि भाई प्रेम को लेके कैसे कैसे दस्ते, एंटी रोमियो स्क्वाड और बजरंग दल वगैरह वगैरह बनाए गए हैं जो कि आपको चैन से कहीं पर रहने नहीं देते। सिचुएशन इन्होंने बहुत सारी बताई है जिनसे आप अगर पढ़ेंगे तो रिलेट कर पाएंगे। तो ये चैप्टर था इनका, हम सबके जीवन में प्रेम। आप चाहें तो लास्ट वीडियो सुन सकते हैं, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ के डाला है उसमें। और इन्होंने कुछ केसेस भी बताए हैं कि हिंदू मुस्लिम के चलते दिल्ली में एक केस हुआ था जिसमें लड़के को मार दिया गया, और साउथ में कोई एक स्टेट है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी, वहां पे लड़का क्योंकि दलित था तो उसका गला काट दिया गया सिर्फ इसलिए ऑनर के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना ऑनर बचाने के लिए, ठीक है। अगला चैप्टर जो है वो है निजता का अधिकार। संविधान की किताब में एक सुंदर सी कविता इन्होंने रेफरेंस दिया है कि भाई निजता का अधिकार, जैसे कि अभी हमारी 2014 से बीजेपी सरकार आई है, इनके बहुत सारे मंत्रियों ने जो अलग अलग डिपार्टमेंट पे हैं, निजता का अधिकार बोले कि निजता नाम की कोई चीज नहीं होती है एक सिटीजन के, उसमें ये कोई अधिकार नहीं होता। इन्होंने बहुत अपोज किया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, निजता की कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे घूमेगा, कहाँ जाएगा, किसके साथ रहेगा, किसके साथ शादी करेगा, उसके अपने पर्सनल मोमेंट्स हैं, ये सब उसके निजता के अधिकार में आते हैं। तो उसके बारे में इन्होंने इस बुक में बताया है, इस चैप्टर में बताया है, ठीक है। तो संविधान में जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया और निजता का अधिकार को एक मौलिक अधिकार, एक मूल अधिकार घोषित किया गया, तो बहुत खुशी हुई ये जानकर इनको, और उसके बारे में बताया कि भाई निजता बहुत ज़रूरी है और ये आपका अधिकार है, इसका कभी भी हनन ना होने दें कि आप क्या खा रहे हैं लोग चेक करें, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, हर चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई करें, कि बिरयानी को धर्म से जोड़ दें कि वो मुस्लिम है, खिचड़ी हिंदू है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने इस चैप्टर में बताया। अगला है डरपोक किस्म की नागरिकता गढ़ता मुख्य धारा की मीडिया। हाँ, ये जैसा अभी पिछले जो शुरू के चैप्टर में इन्होंने बताया कि भाई डर फैलाया जा रहा है, उसी को यहाँ पे इन्होंने एलिबरेट किया है कि हिंदू मुस्लिम और हिंदुत्व और पाकिस्तान और आतंकवाद, ये सारी चीजें जो घुमा फिरा के आपको डराई जाती हैं और ऐसे प्रेजेंट की जाती हैं, उनका प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं एक चीज को दिन भर चलाना, ताकि आप ना चाहते हुए भी उसमें पड़ जाएं, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद 2019 में 1984 पढ़ते हुए, सन 84 में जो इंदिरा गांधी के समय में घटना घटित हुई थी सिख धर्म वाली, तो उसके बारे में इन्होंने मतलब रिलेट किया है 2019 से, कि अभी भी हिंदू मुस्लिम में जो झगड़ा बढ़ाया जा रहा है, दूसरी कौम को लेकर जो झगड़ा बढ़ाया जा रहा है, ये हालात कुछ ना कुछ वैसे ही बनते चले जा रहे हैं, तो इसको आप पढ़िएगा। 15 अगस्त को एक आइसक्रीम जरूर खाएं, ये इनके अगले चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम सुन के आपको लगेगा कुछ हल्की फुल्की बातें, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने आज़ादी का मतलब बताया है और बताया है कि भाई आपको, आप कब हकदार बनते हैं कि आप स्वतंत्रता दिवस मना पाएं, कि आप कुछ गलत नहीं करते हैं, आप अपने राष्ट्र को लेके, अपने देश को लेके एकदम आदर्श भाव रखते हैं, कुछ देश हित में करते हैं, जब भी करते हैं कुछ भी गलत नहीं करते, करप्ट नहीं है, अंधविश्वासी नहीं है, तो आप 15 अगस्त बनाने के हकदार हैं, क्योंकि आप वाकई में आज़ाद हैं।
तो अगर आप खुशी मना रहे हैं, और जाहिर सी बात है खुशी का दिन है, हमारा देश आजाद हुआ था, तो आप उस दिन मिठाई खाइए, जलेबियां खाइए, इमरती खाइए, आइसक्रीम खाइए। बाकी उसके अलावा ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, तब तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में डिटेल में क्या लिखा है। नागरिक पत्रकारिता की ताकत। अगर आप इन दिनों रवीश कुमार का शो देखते हैं तो आप देख रहे होंगे उन्होंने एक नौकरी सीरीज निकाली थी, और अक्सर वो उस सीरीज में वही चीजें बताते थे जो कि नागरिकों ने या फिर अलग अलग जगह के लोगों ने उनको व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू भेजी है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि जो हमारी आजकल की पत्रकारिता है, आजकल के पत्रकार हैं, वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं, उनका मुद्दा ही हिंदू मुस्लिम से आगे नहीं बढ़ रहा है, पाकिस्तान से आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो मेन मुद्दा है कि भाई 2012 में पेपर होता है, 16 में पेपर होता है, 19 तक रिजल्ट नहीं आता, भर्ती नहीं होती, लोगों की एज निकलती जा रही है, तो लोग और मीडिया कवर करने नहीं जाता कि यहाँ पे धरना हो रहा है, लेकिन नहीं, किस बात पे धरना हो रहा है मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई मतलब नहीं है, तो लोग खुद ही उस धरने का वीडियो बनाते हैं कि भाई कोई नहीं आ रहा है तो हम ही इसको वायरल करते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं। वैसे ही वीडियो जब इनके पास आते हैं तो ये उसकी न्यूज़ बना के आपको दिखाते हैं ताकि आप तक वो बात पहुंचे, क्योंकि मीडिया का कोई चैनल वो काम नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के 12 चैप्टर हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल बातें हैं, और इस किताब को पढ़ने के लिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ रेफरेंसेस बहुत शॉर्ट में दिए हैं, अगर आपको उस घटनाओं के बारे में नहीं पता है तो आप समझ नहीं पाएंगे किस बारे में बात हो रही है, तो ये भी पता होना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल टर्म्स आपको पता होने चाहिए, आपकी सरकास्टिक समझ बहुत अच्छी हो ताकि आप समझ सकें, कुछ बातें इन्होंने सरकास्टिक वे में लिखी हैं। तो ये कुल मिला के एक अच्छी किताब है, आसान भाषा में लिखी हुई है, बहुत क्लिष्ट नहीं है, और कुछ कुछ इनके अगर आपने भाषण सुने हैं तो कुछ भाषण भी इसमें इनके हैं, मतलब जो वीडियोस मैंने देखे हैं इनके, उनकी सारी बातें इसमें हैं कुछ कुछ, तो बहुत अच्छी है किताब, इसको पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद एक बात की गारंटी है कि आप जैसा भी सोचते हैं तो आपकी सोच में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा, आप एक बार फिर से सोचने को मजबूर होंगे कि रवीश कुमार इस किताब में क्यों और क्या बताना चाह रहे हैं, और आखिर क्या जरूरत पड़ी इस किताब को लिखने की, आखिर क्यों वो इतना चिंतित हैं सोसाइटी को लेकर, भारत की। तो ये है इस बुक का रिव्यू, इस बुक को आप खरीद सकते हैं, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, 125 रुपये के आसपास की किताब है, अमेजोन से मैंने मंगाई है। तो ये रिव्यू देखिए, आपको कैसा लगा मुझे बताइए, और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।